टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज के शो में हम आपको दिखाने वाले हैं ऑडी RS6 आवाज की टेस्ट ड्राइव, रेंज रोवर ने लॉन्च की नई इवोक, होंडा शाइन नए अवतार में, और ह्युंडई वर्ना और होंडा सिटी में से कौन सी कार लेनी चाहिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। एक तो गाड़ी स्पेशियस बहुत है, दूसरा उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत जबरदस्त है, तीसरा इट्स एन एस्पिरेशनल ब्रांड, एवरीबॉडी वांट्स टू बाय। एक ऐसी कार जिसमें स्पीड स्पोर्ट्स कार की तरह, पावर SUV की तरह और कंफर्ट एक लग्जरी कार के जैसी, और सामान ले जाने के लिए ढेर सारी जगह, ये सारी खूबियां एक कार में मिलना मुश्किल है। लेकिन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही कार, जी हाँ ऑडी RS6 आवाज। तो चलिए मेरे साथ इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर, पता करते हैं इस कार में ये सारी खूबियां हैं भी या नहीं। ऑडी पहचान रफ्तार से, लेकिन इसके बेड़े में RS6 जैसी कार भी है जिसे वैगन या स्टेट कार भी कहते हैं, यानी एक ऐसी कार जिसकी डिक्की में सामान रखने के लिए ढेर सारी जगह हो। लेकिन ये कार वैगन होते हुए भी एक पावरफुल मशीन वाली कार है, क्योंकि इसमें फरारी और लिम्बोर्गिनी की तरह पावर मिलता है, तभी तो इस कार को वैगन सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार कहते हैं। इसके बूट में 565 लीटर की जगह मिलती है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा जगह चाहिए तो पिछले सीट को फोल्ड करके 1680 लीटर की जगह बना सकते हैं। फैंसी स्टेट कार्स टू मच, या फिर हमें SUV पसंद आती है या फिर सेडान, लेकिन ऑडी ने एक बोल्ड मूव लिया है, लग्जरी स्पेस पे लेकर आ गई है RS6 अवांट, व्हिच इज आई थिंक द ओनली लग्जरी स्टेट कार। प्राइस टैग है 1.35 करोड़ का। ऑडी को लगता है कि ये कार अपनी परफॉर्मेंस और फीचर्स के बल पर हमारा मन जीत पाएगी, तो क्या ऐसा होगा, चलिए पता करते हैं। Avant is a race sports inspired luxury car, तो sportiness पे emphasis तो obvious है। 21 इंच के ये 5 स्पोक व्हील्स पर भी RS लिखा हुआ है, एंड यू विल फाइंड दिस RS रिटन ऑल ओवर दिस कार, क्योंकि आई थिंक इट वॉन्ट्स टू से आई एम डिफरेंट। लोगो अगर आप देखें, ऑडी का लोगो बहुत ही प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड है इस honeycomb trapezoid grill par, and I think this design Audi is using in lots of its product, but this honeycomb grill is also used niche. Agar aap iski skirting dekhen to wo bhi thodi bahar nikli hui hai, in fact wheel arches bhi bahar ki taraf nikle hue hain, jisse ek aur emphasis milta hai uski sportiness ko aur uski aggressiveness ko badhane ki koshish har jagah ki hai, Audi ne saaf dikhai deta hai। अवांट के इंटीरियर्स बहुत प्लश है, इंटरेस्टिंग इस्तेमाल है स्वेड का, जो यहाँ साइड में डोर पर लगा हुआ है और सीट पर भी लगा हुआ है, विच मेक्स आई थिंक दिस सीट अ लिटिल सॉफ्ट एंड मोर कंफर्टेबल। सीट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज योर थाई सपोर्ट, एंड द डिज़ाइन ऑल्सो सच कि अगर आप शार्प टर्न्स भी ले रहे हैं देन टू यू डोंट फील बींग पुश्ड आउट ऑफ द सीट फिट्स यू इन स्नगली। स्टेयरिंग पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे, स्टेयरिंग इटसेल्फ फील्स क्वाइट नाइस। LCD स्क्रीन का आउटपुट यहाँ आपके सामने भी मिलता है,
So if you're driving, you don't need to look towards your left to manage your infotainment system. अगर आपने Audi की कोई और कार चलाई है तो ये infotainment system आपके लिए काफ़ी comfortable होगा. It's very similar to that. It has this touchpad here. Armrest में भी leather लगा हुआ है, so you feel comfortable there also. एक color tone है, लेकिन it has just the right amount of brakes. ये silver और ये plastic, जिससे वो जो एक monotone color scheme है, उसको एक अच्छा break मिलता है. Audi की इस RS6 Avant में 4 लीटर का 8 सिलेंडर वाला पावरफुल इंजन लगा है और ये इंजन 553 BHP पावर ताकत देता है और इतनी ताकत तो रेसिंग कारों में होती है. इस इंजन की खासियत ये है कि ये सिलेंडर ऑन डिमांड सिस्टम पर काम करता है, यानी पावर की जरूरत नहीं है तो इसका इंजन 4 सिलेंडर पर काम करता है. जैसे ही आप कार की रफ्तार बढ़ाते हैं तो इसका इंजन 8 सिलेंडर पर काम करना शुरू कर देता है. जब आप इस कार पर बैठते हैं, एक्सेलरेटर पर पैर रखिए. जो इसकी स्टार्ट है सॉफ्ट है, लेकिन जैसे ही आप पेडल थोड़ा और पुश करते हैं, यू कैन फील द नंबर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इस कार को चलाना काफी आसान है क्योंकि ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर पर काम करती है, जो काफी एडवांस है, और ये गियर कार की स्पीड के अनुसार खुद ब खुद डिसाइड करता है कि किस गियर में गाड़ी चलनी चाहिए. इसी वजह से ये कार माइलेज के मामले में बेहतरीन है. RS6 की दूसरी खासियत है कि ये क्वाट्रो तकनीक पर काम करती है, यानी फोर व्हील ड्राइव सिस्टम, या यूं कह ले कि इसके चारों पहियों में पावर मिलता है. इसी वजह से रोड पर Audi RS6 की पकड़ काफी बेहतर है और जैसे ही एक्सेलेरेटर को दबाते हैं, ये कार पलक झपकते ही रफ्तार पकड़ लेती है. कंपनी इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर सेट करके देती है. अगर आप चाहें तो इसे 305 किलोमीटर की रफ्तार से भी भगा सकते हैं और इतनी रफ्तार तो रनवे पर दौड़ने वाली हवाई जहाज की होती है. अगर आपको इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट भी है, जिसको चलाने पर एक अलग ही रोमांच का एहसास मिलता है. रफ्तार के साथ सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है. एक कार में जो भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो सब इसमें मिलते हैं, जैसे फ्रंट और साइड एयरबैग, ABS, EBD के साथ 19 इंच के चारों पहियों में डिस्क ब्रेक भी लगे हैं. इस कार में आपको फीचर क्या क्या मिलते हैं, इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, जिसमें से हम कुछ कुछ चुनकर आपके लिए लाए हैं. इस कार में बोस कंपनी का साउंड सिस्टम लगा है, पैनारोमिक सनरूफ, 4-जोन AC, हेडअप डिस्प्ले, RS स्पोर्ट साइलेंसर, Audi ड्राइव सिलेक्टर, फोर व्हील ड्राइव. अगर आपका भी इस कार पर दिल आ गया है तो अब आप इसकी कीमत भी जान लीजिए. Audi RS6 Avant की X शोरूम की कीमत है करीब 1,35,00,000 रुपए. तो इस कार के खरीदार इससे जरूर खुश होंगे, लेकिन Audi के बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले इस कार की सेल्स थोड़ी पीछे ही रहती है. चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं क्या खास है रेंज रोवर की इवोक में. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव. अगर आप कॉम्पैक्ट लग्जरी SUV खरीदने की सोच रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि रेंज रोवर लेकर आ गई है नई इवोक. और साथ ही आपको बताऊं, 125cc सेगमेंट की बेहद पॉपुलर होंडा शाइन नए अवतार में आ रही है. तो चलिए पता करते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते. कॉम्पैक्ट लग्जरी SUV के लिए मशहूर ब्रिटिश आइकॉनिक कार रेंज रोवर इवोक नए अवतार में लॉन्च हुई है और इसकी कीमत 47,00,000 रुपए से शुरू होती है, जो 2015 वाली इवोक के मुकाबले 1,00,000 रुपए कम है.
कंपनी ने नई इवोक में कॉस्मेटिक बदलाव के साथ नए फीचर दिए हैं, जिनमें हैंड्स फ्री टेलीगेट फंक्शन यानी बिना बटन या चाबी लगाए पीछे का दरवाजा खुलना, गाड़ी चलाते समय कार की स्पीड जैसी जानकारी विंडस्क्रीन पर दिखना जिसे हेड अप डिस्प्ले कहते हैं, और सराउंड कैमरा सिस्टम के साथ 17 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम भी शामिल है। देश में इवोक के इतने चाहने वाले हैं कि लॉन्च से पहले 125 गाड़ियां बुक भी हो चुकी हैं, जिसे कंपनी अगले महीने से डिलीवरी देना भी शुरू कर देगी। फिलहाल लग्जरी कार बाजार में जैगवार लैंड रोवर की 9% की हिस्सेदारी है, जिसे बढ़ाकर दोगुना करना चाहती है। इसके लिए कंपनी का फोकस नए प्रोडक्ट के साथ डीलर नेटवर्क पर भी है। होंडा मोटरसाइकिल ने 125 सीसी सेगमेंट में एक नई बाइक लॉन्च की है। इसका नाम है शाइन एसपी और इस बाइक की कीमत 60,000 से 64,000 रुपए के बीच में है। शाइन एसपी पहले से मौजूद शाइन का अपग्रेड वर्जन है, जिसमें कई नए फीचर मिलते हैं। नई शाइन में आपको 5 गियर के साथ होंडा इको टेक्नोलॉजी यानी HET टेक्नोलॉजी वाला 125 सीसी का इंजन मिलता है। इसी वजह से नई शाइन टेस्ट कंडीशन में 65 किलोमीटर का माइलेज देती है, जबकि पावर पहले वाली शाइन की तरह 10 bhp मिलता है। इसके साथ नई शाइन में डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिलता है। 2015 में होंडा की तरफ से ये 15वीं लॉन्चिंग है। कंपनी का कहना है कि नई शाइन के साथ पहले से मौजूद होंडा शाइन भी बिकेगी। रफ्तार के लिए मशहूर लैम्बोर्गिनी ने अपनी सुपरकार उराकन का एक नया मॉडल भारत में उतार दिया है। कंपनी ने इस नए मॉडल का नाम दिया है उराकन LP5802। अब आप इसकी कीमत भी जान लीजिए, करीब 3 करोड़ रुपए। उराकन LP5802 की खासियत है कि ये रियर व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करती है, जबकि उराकन का दूसरा मॉडल LP6104 फोर व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करता है, और ये मॉडल भारत में 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। उराकन LP5802 में 5.2 लीटर का इंजन लगा है, और ये इंजन 571 bhp की ताकत जनरेट करता है। इसी वजह से ये कार 100 किलोमीटर की रफ्तार 3.4 सेकंड में छू लेती है, और इसकी टॉप स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। कंपनी का कहना है कि उराकन के दोनों मॉडल भारत में मिलेंगे। We will take a short break and on the other side of the break, मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे कि अगर कंफ्यूजन है Hyundai Verna और Honda City में तो कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग आवाज ओवर ड्राइव, और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल शिवम सेठी का है, इन्हें पेट्रोल कार खरीदनी है, जानना चाहते हैं Hyundai Verna खरीदें या फिर होंडा सिटी, बजट है 11 लाख का। शिवम जी, आपकी दो चॉइस के अंदर तो हमारी रिकमेंडेशन तो होंडा सिटी की है, बिकॉज इन दिस सेगमेंट होंडा सिटी इज अ ग्रेट लीडर। एक तो गाड़ी स्पेशियस बहुत है, दूसरा उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, तीसरा इट्स एन एस्पिरेशनल ब्रांड, एवरीबडी वांट्स टू बाय अ होंडा, और चौथा उसकी रीसेल वैल्यू इज फिनोमिनल। आफ्टर यूजिंग इट आल्सो फॉर सो मेनी इयर्स यू गेट अ लॉट ऑफ मनी बैक फॉर ऑन रीसेल, और 1.5 लीटर इंजन के साथ 118 bhp निकालती। कंपनी का दावा है 15 किलोमीटर का, बट 12 से 14 किलोमीटर आपको बड़े आराम से निकाल देती है ऑन अ हाईवे, एंड इन टाउन बिटवीन 10 and 12 किलोमीटर इज ईजी, एंड प्राइस स्टार्ट्स एट 8 लाख और जाती है 11,24,000 रुपये। अगला सवाल नरेंद्र कश्यप जी का है, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि यह होंडा शाइन खरीदना चाहते हैं, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि कौन सा वर्जन खरीदें। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप डिस्क वाली लीजिए, जरूर थोड़े से पैसे फालतू लगेंगे, बट यू एटलीस्ट यू गेट अ गुड ब्रेकिंग सिस्टम, और साथ साथ में आपको ये जो नई बाइक आ रही है इट इज़ कमिंग विद अ न्यू HET टेक्नोलॉजी, जिसके साथ आपको फ्यूल कंजम्पशन भी बेटर है। 125 सीसी के साथ 10 bhp निकालेगी और फ्यूल कंजम्पशन लगभग 65 किलोमीटर्स मेरे ख्याल मिलनी चाहिए, बिकॉज पहले वाली भी थी दैट उनकी 60 किलोमीटर की डेफिनेटली उनकी एक प्रॉमिस था कि उनके होंडा प्रोडक्ट्स दे विल गिव ऑल राउंड 60 किलोमीटर्स, बट दिस वन
कमिंग विद एन HED टेक्नोलॉजी आपको 65 किलोमीटर जरूर मिलने चाहिए। और नई बाइक आ रही है तो ऑब्वियसली इसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज भी होंगी विच आर गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू। गौतम रॉय ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाय अ बाइक, बजट है 1.1 लाख का, जानना चाहते हैं जिक्सर SF या फिर फेसर 2.0 में से कौन सी खरीदें। गौतम जी, बहुत स्मार्ट बाइक तो यामाहा जिक्सर है। एक तो स्पोर्टी है, इट इज गॉट अ गुड पिकअप, ट्विन हेडलैम्प्स हैं, वेरी इम्प्रेसिव टू लुक एट फ्रॉम फ्रंट, एंड ऑफ कोर्स रात को भी आपको उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपकी लाइट्स पूरी सड़क एक लिट अप हो जाती है। रियर टायर इज वाइडर देन द फ्रंट टू गिव यू बेटर ग्रिप, एंड 80,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है, 45 से 50 किलोमीटर्स की फ्यूल कंजम्पशन है, और यामाहा की मार्केट के अंदर और भी पकड़ बनती जा रही है, विद द रिजल्ट उनके आफ्टर सेल सर्विस इज इवन बिकमिंग बेटर देन बिफोर। हिमांशु वर्मा को एक लग्जरी कार खरीदनी है, बजट है 50 लाख का, जानना चाहते हैं कौन सी कंपनी ने सबसे बेहतरीन फीचर्स देगी। हिमांशु जी, 50 लाख के अंदर तो बहुत सारी चॉइस है, और एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, यू कांट कंडेम वन प्रोडक्ट फ्रॉम विद द अदर। सभी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, बट आई थिंक पर्सनली A6 ऑडी वुड बी एन आइडियल व्हीकल। एक तो स्पोर्टी लुकिंग है, इट्स अ सेडान विच हैज गॉट अ स्पोर्टियर लुक, वेरी गुड टू परफॉर्म, एक्सलेंट पिकअप, एंड ऑफ कोर्स ऑन रोड प्रेजेंस इज फिनोमिनल। तो मेरा तो यही विचार है कि आप वो देखिए, 48 से 50 लैक्स की आती है, एंड नाउ इट डिपेंड्स इंजन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी आपने कौन सी लेना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्पोर्टी कार यू वॉन्ट। सौरभ गोयल वॉन्ट्स टू बाय एन ऑटोमेटिक हैचबैक, जानना चाहते हैं ह्यूंडई ग्रैंड i10 या फिर होंडा ब्रियो में से कौन सी खरीदें। सौरभ जी, हमारी रिकमेंडेशन है कि आप i10 देखिए, ग्रैंड i10, बिकॉज फॉर वेरियस रीजंस। एक तो ह्यूंडई की आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी रीजनेबल, एंड पैन इंडिया इज ऑलमोस्ट लाइक मारुति। ऑफकोर्स यू कांट कम्पीट विद मारुति, बट इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, एंड ऑफकोर्स आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया, रीसेल वैल्यू गाड़ी की बहुत बढ़िया, एंड द प्रोडक्ट इटसेल्फ गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो एक्सेसरीज, सो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कंफर्ट इन राइडिंग एंड ड्राइविंग आल्सो। तो आस्था मॉडल जो है उसका 80 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का 4.90 लाख से शुरू होता है और 6.07 लाख तक उसकी कॉस्ट है। 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है विद एन इंजन 1.2 लीटर Which takes out 83 BHP. मनोज कुमार जी को एक CNG व्हीकल खरीदनी है, शॉर्टलिस्ट किए हैं इन्होंने मारुति सेलेरियो और मारुति वैगन आर, जानना चाहते हैं इंटीरियर्स के लिहाज से कौन सी पसंद करनी चाहिए। मनोज जी, हमारी रिकमेंडेशन तो वैगन आर है विद CNG, बिकॉज एक तो बहुत काफ़ी अरसे से ये गाड़ी आ रही है और जो इसकी सक्सेस रेट है बहुत ज़बरदस्त है। CNG के लिए स्पेशल इंजन चाहिए होता है, और ऑब्वियसली इन्होंने वही एडजस्टमेंट्स कर रखी हैं जिसके साथ इसकी लॉन्गविटी में फ़र्क नहीं आना चाहिए, और 1.1 लीटर इंजन के साथ 68 BHP निकालती, पेट्रोल के ऊपर 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, बट CNG के साथ ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती। साथ साथ में इसके अंदर मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी अब अवेलेबल हो गई है फॉर अ प्राइस दैट इज़ 4.28 लाख से शुरू होती एंड 5.36 लाख तक जाती है। तो आप अपने लिए सबसे बेहतर कार कैसे चुने, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप टोयोटा इनोवा जैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसी पर सवाल है भास्कर का बेंगलुरु से, जानना चाहते हैं टोयोटा इनोवा खरीदनी है 2 साल से ज्यादा पुरानी ना हो और अच्छी कंडीशन में भी हो, कहां और कैसे खरीदें। इसका जवाब दे रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक तेलंग। देखिए, अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको भास्कर कौन सी कार लेनी है तो आपका काम तो बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि कार्स की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पोस्ट एन ऐड को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ आपको बाय अ कार का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ आप अपनी पसंद की कार की डिटेल्स दे दीजिए, जैसे आपको कौन सी कंपनी की कार चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, किस साल की कार होनी चाहिए, बस ये सारी डिटेल्स डाल दीजिए। आप चाहें तो मेनटेन माई प्राइवेसी और अलर्ट्स के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अनवॉन्टेड सेलर्स परेशान नहीं करेंगे, मगर आपकी पसंद की कार के बारे में रेगुलर जानकारी आपको हर वक्त क्विकर पर मिलती रहेगी। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम अस, लेकिन अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज।